नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेंस रिया। एक लैटिन टर्म है ये दोस्तों, और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है वो अ गिल्टी माइंड। मेंस रिया के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये एक ईवल इंटेंट है या फिर रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट है उस पर्सन की जो कि एक्ट को कमिट करता है। यानी कि जब आप एक्ट कमिट करते हैं तो आपकी जो इंटेंशन है ईवल है, गलत इंटेंशन से करते हैं, या फिर जो आप एक्ट कर रहे हैं उसकी रॉन्गफुलनेस का आपको पता होता है कि भाई मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया, कि ये मेंस रिया का कंसेप्ट जो मॉडर्न टाइम में हम स्टडी करते हैं ये आया कहाँ से है और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है मेंस रिया का वो वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है। जैसे आप जानते हैं कि IPC जो है, इसका जो कोडिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, इसलिए दोस्तों जो इसका ओरिजिन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ही माना जाता है, खासकर ब्रिटेन। जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश लॉ की, जो कि एंशिएंट पीरियड में था, तो वहाँ पर लायबिलिटी जो थी दोस्तों वो फिक्स थी। यानी कि आपकी लायबिलिटी किसी एक्ट के लिए होती ही थी अगर वो गलत होता है। आपकी इंटेंशन, आपका नॉलेज, आपका मोटिव, ये सब इररेलेवेंट थे। यानी कि लायबिलिटी जो थी वो एब्सोल्यूट थी, और इससे कोई मतलब नहीं था कि एक्ट जो है वो एक्सीडेंटली हुआ है, गलती से हुआ है, या इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है। इस चीज़ से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। जो मॉडर्न कंसेप्ट है दोस्तों मेंस रिया का, ये 12वीं सेंचुरी या 12वीं सेंचुरी तक जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था स्पष्ट रूप से। जहाँ तक बात है दोस्तों पनिशमेंट देने की इंग्लैंड में, तो वो जो था वो रोमन जो लॉ था उसी का इम्पैक्ट था, और उसी के बेसिस पर जो पनिशमेंट दी जाती थी, जो कि मेनली बेस होता था डॉलस और कल्प, ये दो जो इंग्रेडिएंट थे उनके ही बेस पर ये होता था। इंग्लैंड का दोस्तों जो किंग था एडवर्ड 1, उसके रिजीम के दौरान ही दो चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया दोस्तों, इन्फेंसी एंड इंसेनिटी। यानी कि अगर आप बच्चे हैं तो आपको वो डिफेंस मिल सकता है, आपसे अगर कोई क्राइम हो गया है तो आपको डिफेंस मिल सकता है, या फिर आप इंसेन हैं तब भी आपको डिफेंस मिल सकता है अगर आपसे कोई एक्ट हो गया है जो कि क्राइम है। उसके बाद दोस्तों एडवर्ड 3, यानी जो किंग एडवर्ड 3 था, उसके दौरान जो था एक और रिकॉग्निशन मिली कि भाई जो ट्रीजन है, यानी कि राजद्रोह जिसे कहा जाता है या देशद्रोह जिसे कहा जाता है, उसका जो ऑफेंस है वो उन आदमियों पर लागू नहीं होगा जिनसे कि वो जबरदस्ती करवाया गया है या किसी दबाव डर के अंदर करवाया गया है, जिसे कॉर्शन कहते हैं। ड्यूरिंग 14वीं एंड 15वीं सेंचुरी जो था दोस्तों, मेंस रिया जो था उसकी रिक्वायरमेंट को महसूस किया गया और ये इस्टेब्लिश किया गया कि भाई मेंस रिया जो है किसी भी क्राइम के लिए एक मेन एलिमेंट होना जरूरी है। नो दोस्तों, जो मेंस रिया है उसमें देखा जाए बेसिकली तो हमारे पास दो मैगजीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो है दोस्तों कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रिया, और दूसरी है एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। यानी कि ये दो मैगजीन का होना बहुत जरूरी है। पहली मैगजीन जो है वो कहती है कि भाई अगर मैं कोई एक्ट करता हूँ और वो क्राइम हो जाता है पर मेरी इंटेंशन वहाँ नहीं है तो उसको क्राइम नहीं माना जा सकता। दूसरी कहती है कि भाई मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ पर अनविलिंगली कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस एक्ट को कर तो रहा हूँ, वो क्राइम भी हो सकता है पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती मेरी विल, मेरी इच्छा के खिलाफ वो करवाया जा रहा है, तो वहाँ भी वो एक्ट मेरा नहीं होगा और मेरा मेंस रिया काउंट वहाँ पर नहीं होगा। और जो मेंस रिया का एलिमेंट था वो स्टेचुटरी बहुत कम था इंग्लैंड में, ज़्यादातर इसे कॉमन लॉ में जजेस जो थे, जो जजमेंट लॉ था उसमें जजेस ने इसको अप्लाई किया, और जजेस ने ही इसको एक एलिमेंट के रूप में एस्टेब्लिश किया कि भाई क्राइम करते हो तो वहाँ पर इंटेंशन या आपका गिल्टी माइंड मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेंस रिया की जो डॉक्ट्रिन थी या जो आइडिया था ये जुडिशियल ड्रिवन था, ना कि पार्लियामेंट्री ड्रिवन। इसमें भी दो तरह के स्कूल या दो तरह के थॉट जो थे वो प्रिवेल करते थे। फर्स्ट जो था वो जस्टिस राइट के द्वारा डेवलप किया गया था, शेरास वर्सेस डी रट्सन 1895 के केस में। इस थॉट का कहना था कि हर स्टेट्यूट में या हर लॉ में मेंस रिया जो है वो होना ही चाहिए अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर। यानी कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि हर स्टेट्यूट या हर जो कॉडिफाइड लॉ है उसमें मेंस रिया है भाई। अगर आपको उसके अलावा कुछ लगता है कि भाई इसमें मेंस रिया नहीं हो सकता है तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मानना चाहिए कि हर स्टेट्यूट में मेंस रिया है। सेकेंड थॉट जो दिया गया था वो दिया गया था होब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन 1910, और ये दिया गया था दोस्तों लॉर्ड जस्टिस कैनेडी के द्वारा। उनका कहना था कि भाई ये जो मेंस रिया है इसको आप एक्सेप्शन के रूप में देखें, यानी कि हर स्टेट्यूट जो है उसको उसकी लिटरल डेफिनेशन दें, जैसे वो है उसको वैसे ही डिफाइन करने की कोशिश करें, और मेंस रिया है उसको एक्सेप्शन रखें। अगर आपको लगता है कि स्टेट्यूट कहता है कि मेंस रिया जो रिक्वायरमेंट है तो उसको इंक्लूड करें, अदरवाइज उसको लिटरली इंटरप्रेट करें। यानी कि पहला जो स्कूल या रूल था वो कहता था कि मेंस रिया हर जगह हो, दूसरा कहता था कि भाई जनरली आपको मेंस रिया नहीं अप्लाई करना है पर अगर आपको लगता हो कि भाई यहाँ पर मेंस रिया की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में जो मेंस रिया है उसको अप्रूव किया गया।
इसके बारे में दोस्तों हम दो केस लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे, आर वर्सेस प्रिंस 1875। इसमें क्या होता है कि अक्यूज्ड जो होता है प्रिंस, वो किडनैपिंग का चार्ज लगता है उसको एक लड़की को जो कि 16 साल से नीचे थी, और वो सब कुछ प्रूव भी हो जाता है। पर वो कहता है कि भाई देखिए, इस लड़की ने मुझे कहा था कि भाई मैं जो हूँ 16 साल से ऊपर हूँ, तो ये उसको वो डिफेंस की तरह प्लीट करता है कि भाई मेरा मेंटल एलिमेंट वहाँ नहीं था, मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, मैंने तो लड़की के बिहाफ पर जो लड़की ने कहा वही उसको मानते हुए उसको ले गया, तो इसलिए किसी तरह की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं थी। इस पे जो कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता कि भाई देखिए एक लड़की ने ऐसा कहा और मैंने जो है वो कर दिया, अगर हम इसको डिफेंस अप्रूव करते हैं तो फिर हर आदमी यही कहेगा कि भाई लड़की ने ऐसा कहा और मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए डिफेंस हो गया, इसलिए जो किडनैपिंग है वो वैलिड होगी, तो ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये तो बताइए कि आपने उसको उसके पिता की जो लॉ फॉर कस्टडी थी उससे लेके बाहर गए, उसके लिए क्या आंसर है आपके पास, आपने ऐसा क्यों किया, तो वहाँ पर भी कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात, अक्यूज जानता है कि वो लड़की जो है उसको वो अपने पिता की कस्टडी से इलीगली लेके जा रहा है जो कि इमोरल है और अगेंस्ट द पॉलिसी। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि लड़की ने कहा कि भाई मैं 16 साल से ऊपर हूँ, ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों इसमें क्वींस वर्सेस टॉलसन 1889। इसमें जो था दोस्तों वो वुमन जो थी जो कि ऑलरेडी मैरिड थी पहले एक आदमी को, उसको बाइगैमी के लिए ट्राई किया गया, यानी कि पहले शादीशुदा थी, दूसरी जो शादी की वो जानते बूझते इंटेंशनली की और इसको बाइगैमी के लिए ट्राई किया जाना चाहिए। मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट में जब बातें खुलने लगी तो उसमें पता चला कि जो वुमेन थी उसका जो हस्बैंड था पहले वाला जो था वो कोई 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से मिसिंग था, और उस औरत ने उसकी पूरी इंक्वायरी की, उसके रिलेटिव से पूछा, रिलेटिव ने कहा कि भाई वो अमरीका गया है, फला फला डेट को अमरीका गया है, और तब से उसका कोई पता नहीं है, और ऐसा पता चला है कि जिस छोटे जहाज पर वो गया था, जब वेसल पे गया था, वो डूब चुका है और उस पर सारे लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। बाकी उसने जो अथॉरिटीज़ थी जो जहाज़ को लेकर उससे भी पता किया, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये सही है। तो उस वुमन ने 5 से ज़्यादा सालों तक वेट किया, जबकि लीगली आपको 7 साल जो प्रेजम्पशन ऑफ द डेथ होती है वो 7 साल होती थी। तो उसने कहा कि भाई मैंने 5 साल तक वेट किया, और 5 साल वेट करने के बाद जब मुझे लगा कि भाई अभी कोई चांस नहीं है, ना कोई उसका पता ठिकाना चल रहा है, ना कोई उसने कम्युनिकेशन की, तो इसलिए उसने 5 साल और कुछ महीने वेट करने के बाद शादी कर ली। तो इस पे औरत ने कहा कि भाई देखिए मेरी जो इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी, मैं ऐसा नहीं मान रही थी कि मेरा पति जिंदा है और मैं चुपके से शादी कर लूँ, शादी मेरी जो हुई है वो पब्लिकली हुई है, सबके सामने हुई है, और मैंने अपना जो दूसरा पति है उसको बताया भी है, और ये मैंने 5 साल से ज़्यादा टाइम के बाद की है, वो भी प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद, कि मेरा पहला पति जो है वो किसी भी हालात में जिंदा नहीं हो सकता, और जो एक्ट है मेरा वो रैश और नेग्लिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं केयरलेस या बड़ी जल्दी में या नेग्लिजेंटली ये कर रही, और मेरा जो दूसरा हस्बैंड है वो मेरी पहली की जो मैरिज है उसके बारे में और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सब कुछ जानता है, मैरिज जो मेरी हुई है वो पब्लिकली हुई है, मैंने उसको सीक्रेटली नहीं किया, तो अगर मेरे दिल में कोई गलत बात होती या मेरी इंटेंशन गलत होती तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करती जो कंसील करने की कोशिश करती, बट मेरे पास ऐसा भी कुछ नहीं था। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपनी बात जो है वो सही कह रही हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो सारी जो आपकी एक्टिविटीज या एक्ट है उनसे पता चलता है, इसलिए ये एक्ट ऑफ द बाइगैमी नहीं है। नाउ दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मेंस रिया इन द इंडियन फील्ड या इंडियन लॉ। तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया उस तरीके से इंडिया में नहीं इंप्लीमेंट की जाती है जैसे कि वो इंग्लैंड में है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का लॉ है वो मोस्ट प्रोबेबली रिटन है, जितना भी लॉ है वो लिखित रूप में है हमारे पास, और इन ऑफेंसेस में ही आपको बता दिया जाता है कि जो इंटेंशन जब मेंस रिया है उसकी ज़रूरत है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो बता दी जाती हैं। इंडियन पिनल कोड की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें ये मेंस रिया दो तरीकों से काम करता है। फर्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का, जिसको कि मेंशन किया गया है दोस्तों सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106। ये जितनी भी एक्सेप्शन है दोस्तों ये मेंस रिया को नेगेटिव करती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी ऑफेंस जो कि 7 साल से नीचे की बच्चे के द्वारा किया जाए वो ऑफेंस नहीं होता है। तो क्लियरली सीधे तौर पर यह सेक्शन कह देती है कि भाई उसकी कोई इंटेंशन हो ही नहीं सकती, उसको क्राइम हम मानते ही नहीं। तो इसने जो मेंस रिया जो गिल्टी माइंड है उसके कंसेप्ट को खत्म कर दिया पूरी तरह से। दूसरा तरीका है दोस्तों वर्डिंग जो है इंडियन पिनल कोड की वो इस तरीके से की गई है कि उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई मेंस रिया है या नहीं है। तो मेंस रिया होने के लिए जो वर्डिंग यूज की जाती है इंटेंशनली, नोइंगली, वॉलंटरली, इन सब वर्ड से पता चलता है कि भाई इंटेंशन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर किसी सेक्शन में ये कहा गया है कि भाई अगर कोई आदमी ये एक्ट करता है इंटेंशनली, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है वहाँ इंटेंशन की बात की जा रही है, वहाँ मेंस रिया या मेंटल एलिमेंट की बात
की जा रही है। तो ये एक तरीके से आपका मेंस रिया उसमें आ गया। दूसरी तरफ देखें दोस्तों, तो कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं जिनमें कि मेंटल एलिमेंट मेंस रिया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सजा मिलनी निश्चित है। जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, सेडिशन हो गया, किडनैपिंग या अबडक्शन हो गया, काउंटरफिटिंग द क्वाइन और गवर्नमेंट स्टैम्प हो गया। ये जो ऑफेंस है दोस्तों, यहाँ पर आपका कमीशन ऑफ द ऑफेंस काफ़ी है। अगर आपने वो किया है तो आपकी इंटेंशन कानून नहीं पूछेगा, क्योंकि इन ऑफेंसेस की जो ग्रेविटी है, सीरियसनेस है, जो बहुत ज़्यादा है, जो स्टेट है वो इस क्वेश्चन में जा ही नहीं सकती कि भाई इंटेंशन थी या नहीं थी। उसको इनको रोकना है और पनिशमेंट देनी है उस आदमी को जो ये ऑफेंस कमिट करता है। नो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मेंस रिया के वो एलिमेंट जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको कहा जाता है वॉलीशन, इंटेंशन और मोटिव। पहले तो दोस्तों मैं इन सब को आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि वॉलीशन क्या होता है, इंटेंशन क्या होती है और मोटिव क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्राइम करना चाहता हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगा, उसको सोचूंगा, फर्स्ट स्पर ऑफ द मोमेंट मैं सोचूंगा कि भाई मैं क्राइम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये हो गया वॉलीशन। जब मैं एक थॉट को सोचता हूँ तो उसको मैं आगे मैच्योर कर भी सकता हूँ, उसको छोड़ भी सकता हूँ कि छोड़ो यार क्या करना है क्राइम, या मैं ऐसा कहता हूँ ठीक है क्राइम करना है तो अब आगे क्या करना है, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करना है, क्या प्रोन हो सकते हैं, क्या कौन हो सकते हैं, यानी कि आप पूरी तरह से उसकी तैयारी करते हैं, दिमाग में प्लान को बिल्डअप करते हैं और आपको पता है कि ये गलत है तो मुझे अपना बचाव कैसे करना है। ये जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है इंटेंशन। आप ये जो प्रोसेस है वो क्यों कर रहे हैं, यानी कि मैं क्राइम क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और वो जो कारण होता है वो मोटिव होता है। मैं थेफ्ट चोरी करना चाहता हूँ तो पहले मैं सोचूंगा इसको दिमाग में, फर्स्ट थॉट जो होगा वो वॉलीशन हो गया, सेकंड प्रोसेस जो है जो उसको मैच्योर करेगी वो इंटेंशन होगी, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो हो गया आपका मोटिव। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं वॉलीशन। डिक्शनरी में अगर इसको लिटरली देखा जाए तो उसका मीनिंग है फ्री विल, पर अगर हम उसको इस तरीके से क्रिमिनल लॉ के तरीके से एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल एक्ट कोई भी जब हम करते हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो वॉलीशन होता है, और ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कि ज़्यादातर मौक़ों पर आप इसको छोड़ देंगे पर बहुत कम मौके होंगे जहाँ पर ये आगे प्रोसीड करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप सोचते होंगे कि भाई इसके साथ मैं वो कर दूँ, इसके साथ मैं ये कर दूँ, उसके साथ में कई तरह के गलत जो दिमाग में आपके ख्याल आ सकते हैं, आप ज़्यादातर टाइम उनको इग्नोर कर देते हो और बहुत रेयर चांसेस होंगे कि वहाँ पर आप उसको इंटेंशन की स्टेज में लेके जाएं। इसके बारे में कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि डिज़ायर विच इम्प्लाइज द मोशन इज नोन एज वॉलीशन, यानी कि वो इच्छाएं जो आपको सजेस्ट करती हैं कि आप मोशन करें, यानी एक्टिविटी करें, आप आगे चलें, उसको कहा जाता है वॉलीशन। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास दोस्तों इंटेंशन। इसके बारे में कहा गया है द एक्सपेक्टेशन दैट डिज़ायर्ड मोशंस विल लीड टू सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज इज द इंटेंशन, यानी कि आपने जो सोचा है आपको पता लग रहा है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंटेंशन की बात करते हैं तो इंटेंशन में सिर्फ यही नहीं होता कि मैं क्राइम करूंगा, आप क्राइम करेंगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये गलत एक्ट है आपको ये भी पता होता है, और मैं अपना बचाव कैसे करूंगा, कैसे चीज़ों को करूंगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आप मेंटली उसको सोचते हैं। जे एफ स्टीफन का कहना था दोस्तों, इंटेंशन इज एन ऑपरेशन ऑफ विल डायरेक्टिंग एन ओवर्ट एक्ट। इंटेंशन जो है आपकी विल या इच्छा का एक ऑपरेशन है, यानी कि एक काम है जो कि आपको प्रेरित करता है या आपको इंस्पायर करता है कि आप ओवर्ट एक्ट करें। ओवर्ट एक्ट का यहाँ मतलब है दोस्तों एक ऐसा एक्ट जो कि आप ओपनली करते हैं विदाउट किसी सीक्रेसी के या बिना उसको छुपाए हुए। इसका ऑपोजिट जो है वो कोवर्ट एक्ट है जो कि छुपा कर किया जाता है। ये ओवर्ट एक्ट और कोवर्ट एक्ट जो है वो लीगली यूज किए जाते हैं टर्म, इसलिए बता रहा हूँ। इंटेंशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंटेंशन इज द पर्पज और डिज़ाइन विद विच एन एक्ट इज डन, यानी कि इंटेंशन एक ऐसा पर्पज या डिज़ाइन है जिसके साथ कि आप कोई एक्ट कमिट करते हैं। इंटेंशन में जो एक्ट करने वाला है वो चूज़ करता है, चीज़ों का चुनाव करता है, डिसाइड करता है और रिजॉल्व करता है, यानी कि आप क्या करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, वैसे करेंगे, और यस अब आप करेंगे। ये जो है वो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको इंटेंशन में देखने को मिलेंगी। इंटेंशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंटेंशन जो है वो इमीडिएट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एकदम से जो ऑब्जेक्टिव है आपका क्या करना है कि मैंने ये करना। इंटेंशन इज आल्सो मींस टू एंड एंड द मोटिव इज एंड। इंटेंशन को कहा जाता है ये मींस है, जरिया है एक एंड तक पहुंचने का, वो एंड क्या है, वो मोटिव है।
यानी कि अगर आपको अपने मोटिव तक पहुंचना है तो इंटेंशन को आपको एक जरिए की तरह इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोटिव की तरफ पहुंच पाएंगे। इनोसेंस ऑफ द इंटेंशन कुड बी एन एक्सक्यूज, यानी कि अगर आपकी इंटेंशन जो है वो इनोसेंस है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है, तो वो एक्सक्यूज़ हो सकती है, यानी कि वो आपके लिए एक डिफेंस का काम कर सकती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एक्ट मुझसे हुआ है पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों मैं सालमन को भी कोट करूँगा, उनका कहना था एवरी रॉन्गफुल एक्ट मे रेज टू डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंटेंट ऑफ द डूअर। फर्स्ट इज हाउ ही डू द एक्ट इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली। यानी कि सालमन ने कहा कि भाई जो भी रॉन्गफुल एक्ट होता है उसके रिगार्डिंग अब दो क्वेश्चन तो रेज होते ही हैं इंटेंशन को लेकर। पहला ये कि भाई आपने जो ये किया है वो एक्सीडेंटली किया है या इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है या अकस्मात हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मोटिव की तरफ। मोटिव के बारे में कहा गया है कि मोटिव इज द फीलिंग विच प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ विल्स, यानी कि मोटिव वो फीलिंग है जो कि उकसाती है आपकी विल्स को करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी दूसरे को मारता है तो मारने के पीछे कारण क्या है, वो जो कारण होता है उसको हम कहते हैं मोटिव। वो रिवेंज लेना भी हो सकता है, बदला लेना भी हो सकता है, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। तो यानी कि आपने कत्ल करना है ये तो इंटेंशन है आपकी, पर आप कत्ल क्यों करना चाहते हो, दैट इज़ द मोटिव। मोटिव इज आल्सो अल्टीरियर, अल्टीरियर होता है छिपा हुआ, दूर का या आगे का। यानी मोटिव जो होता है वो आपका अल्टीरियर होता है। बड़ी ऑब्वियस बात, मोस्ट ऑफ द केसेस में आदमी जो है इस चीज़ को छुपाता है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, ये क्राइम क्यों कर रहा है, मोटिव क्या है इसके पीछे। और ये इंटेंशन की रूट्स जड़ों में बैठा होता है, ये भी बड़ी ऑब्वियस बात है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करने की इंटेंशन सोचते हैं तो उसका बेस तो मोटिव ही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो मोटिव ही होता है। जैसे मुझे बदला लेना है, तो बदला लेना है तो एक अलग बात है, पर उसकी जो इंटेंशन है वो आप कब करोगे, जबकि आपके पास कोई मोटिव होगा। बिना मोटिव के क्राइम जनरली होता नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, मोटिव जो है वो एंड है और इंटेंशन जो है मीन्स है। यानी मोटिव आपका एंड है कि आपको ये काम करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये है। तो जब वो आपका मोटिव फुलफिल हो गया, द एक्ट इज एंडिंग। अब ठीक है भाई, मैंने जो करना था, मेरा जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो मैंने कर दिया, नाउ सेटिस्फाइड। इनोसेंस ऑफ द मोटिव इज नॉट एक्सक्यूज्ड। यानी कि अगर आप ये कहें कि भाई देखिए मैंने चोरी तो की है, पर चोरी जो की है ना, क्योंकि बाहर एक आदमी है सड़क पर, वो भूखा है, इसलिए मैंने चोरी की, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। अगेन सालमन के बारे में जो कहा था मैंने इंटेंशन में, वही यहाँ भी कोट करूँगा। सालमन ने कहा कि भाई दो तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं किसी भी ऑफेंस में। पहला तो ये कि भाई आपने ये एक्ट कैसे किया, इंटेंशनली या एक्सीडेंटली। जब वो क्वेश्चन आंसर हो जाए कि भाई ये इंटेंशनली था, तो फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है आपने ये क्यों किया। तो जब क्यों किया की बात आती है तो फिर आपको पता चलता है कि उसके पीछे मोटिव क्या है। और लास्ट में है दोस्तों ऑस्टिन की वर्डिंग, जो कि बड़ी फिट बैठती है मोटिव और इंटेंशन पर। वो वर्डिंग जो थी वो इस तरह से थी, द इंटेंशन इज द एम ऑफ द एक्ट ऑफ विच द मोटिव इज स्प्रिंग। उनका कहना था कि जो इंटेंशन होती है वो एम होती है किसी भी एक्ट का, कि भाई मुझे ये करना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई एम है सामने टारगेट, मुझे ये करना है। और उस एम तक पहुंचने के लिए जो स्प्रिंग है, यानी कि आपका एम अगर यहाँ पर है तो उसको धक्का कौन देगा, स्प्रिंग देगा। तो जो स्प्रिंग का काम है वो मोटिव करता है। अगर आपके पास स्प्रिंग मिसिंग है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप अपने एम तक नहीं पहुँचोगे। एम है, इंटेंशन है कि मैं वो करना चाहता हूँ। मोटिव जो है वो स्प्रिंग का काम करेगा कि भाई हाँ इसलिए करना चाहता था, रिवेंज लेना है, बदला लेना है। दैट रिवेंज इज मोटिव एंड दैट इज अ स्प्रिंग। द स्प्रिंग विल पुश द इंटेंशन एंड द एक्ट विल बी अल्टीमेटली अचीव्ड, और द एम इज अचीव्ड। थैंक यू वेरी मच।